विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ती जा रही है, इसी को लेकर एनडीटीवी लोगों से लगातार बातचीत कर रहा है। चुनाव को लेकर क्या है इंदौर की जनता की राय और लोग अपने नेताओं से क्या चाहते हैं, आइए जानते हैं। प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की गई और उस सूची में इंदौर से भी राव विधानसभा के एक प्रत्याशी का नाम है मधु वर्मा का, जो पिछली बार चुनाव लड़े थे। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए कुछ लोग यहाँ पर मौजूद है, हम उन्हीं से बात करते हैं। सबसे पहले आपका नाम बताया। धर्मेंद्र तिवारी मेरा नाम है। धर्मेंद्र भाई, सूची जो 4 महीने पहले आई है इसको लेकर आप क्या कहेंगे? इसमें एक चीज का बीजेपी को एक फायदा भी होगा, जनप्रतिनिधि और जनता को आपस में समझने का मौका मिलेगा और देश का विकास पूरी तरह जो हो रहा है बीजेपी कर रही है वो तो बना रहेगा, लेकिन जनता को भी फायदा होगा और जो प्रतिनिधि उनको भी फायदा होगा दोनों को समझने के लिए। हमारे साथ और भी लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है? पंडित धर्मेंद्र शर्मा। धर्मेंद्र शर्मा जी, क्या कहेंगे मतलब चुनाव में? परिवर्तन देखिए संसार का नियम है, भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में पहली बार यह परिवर्तन किया है। उन्होंने 4 महापूर्व अपनी सूची जारी करने के प्रयास कर दिए, जिसमें आज मुझे आपके द्वारा ज्ञात हुआ कि श्री मधु जी वर्मा को पहला प्रत्याशी घोषित किया गया है। इससे आगे ये रहेगा कि मधु जी वर्मा को या जो भी हमारे प्रत्याशी घोषित होंगे उन्हें घर घर जाकर जनसंपर्क करने का जो 15 दिन मिलते हैं उसकी जगह उन्हें 4 महीना मिलेगा। गौरव जी, क्या देखते हैं आप चुनाव में जो है पहले टिकट जारी करने का फायदा होगा? इससे तो फायदा होगा, सबका विकास होगा, देश की उन्नति होगी। अच्छा, ये मतलब चुनाव को आप किस रूप में देख रहे हैं? चुनाव भावी बनने का अच्छा है। जिस तरह से आपने देखा कि मतलब यहाँ पर जो है कुछ लोग हैं जो इसको लेकर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, उनका यही कहना है राव विधानसभा में जो पहला टिकट जो दिया गया है उसी तरह से उनका ये कहना है कि जो सूची जल्दी जारी की गई है उसका फायदा भाजपा को होता नजर आ रहा है। इंदौर से एनडीटीवी इंडिया के लिए मैं समीर खान।